एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो आज है खुशु का बर्थडे एंड खुशु अभी सो रहा है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और अभी चल रहा है घर में बहुत सारा काम, क्योंकि हमने छोटा सा फंक्शन रखा है, क्योंकि खुशु के नाम के टाइम पे कुछ भी फंक्शन नहीं हो पाया था। तो अब इसके बर्थडे पे हमने छोटा सा प्रोग्राम रखा है घर पे ही, तो बस उसी की तैयारियों में लगे हैं। तो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो व्लॉग पे बने रहना और व्लॉग को पूरा एंड तक देखना, और मेरी खुशु को बहुत सारी विशेज भी देना आप लोग। और खुशु उठ गया है ना खुशु? खुशु हैप्पी बर्थडे। तो मैंने सुबह उठते ही 6 बजे, खुशु 6 बजे उठा था, खुशु को विश कर दिया था। अभी खुशु के बर्थडे पार्टी के लिए डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है। ये खुशु ये गौर से देख रहा है कि कैसे हो रहा है सब काम, अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में आप जो डेकोरेशन देखोगे वो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना। और ये बहुत ही सुंदर सुंदर डेकोरेशन करते हैं किसी भी तरह की, और किसी भी इवेंट के लिए अगर आपको डेकोरेशन करानी हो, जो लोग बीकानेर से हैं तो प्लीज़ इन्हें कांटेक्ट कीजिए। इनका कांटेक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और इनका इंस्टाग्राम पेज भी मैं दे दूँगी। और हलवाई भी आ चुके हैं और उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, तो बस सब अपने अपने कामों में लगे हैं। और नीचे चल रही है डेकोरेशन, और आपको इनका इंस्टाग्राम जो पेज है ना, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और ये रही फाइनल डेकोरेशन, आप देख सकते हो काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही है अभी ये वाली डेकोरेशन, और बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये वाली डेकोरेशन। तो डेकोरेशन हो गई, सारा अरेंजमेंट ऑलमोस्ट हो चुका है, और मम्मी और भी आ गए थे, मतलब वो दोपहर में आ गए थे, और अभी बच चुकी है 6, तो मुझे होना फटाफट से रेडी। मेरी हाथ से बनाई हुई ड्रेस जो कि मैंने खुद ने ही रेडी की थी, तो ये है वो ड्रेस, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरा जो दूसरा चैनल है उसमें मैंने पूरा वर्क बता रखा है कि किस तरह से मैंने ये ड्रेस बनाई है। और आज मैं अपनी सारी गोल्ड की ज्वेलरी पहनने वाली हूँ, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं पहनने वाली। तो चलिए मैं फटाफट से रेडी होकर फिर आपसे मिलूँ। और ये था मेरा लुक, मैं बहुत जल्दी जल्दी रेडी हुई थी, तो कैसी लग रही हूँ ये आप लोग बताना। और बस अब हम लोग करेंगे केक। अरे
और लास्ट में सबने डांस किया था, खूब मस्ती की, बट मैंने जो साउंड है वो म्यूट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता, इसलिए गई है और पार्टी अभी ओवर हुई है, तो बस अभी मैं चेंज करूंगी। थोड़ा मैंने चेंज किया है, सिर्फ ओढ़नी मैंने चेंज की है और ज्वेलरी भी उतार दी थी, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। बस अभी थोड़ी देर में थोड़ा बहुत काम अच्छे से सेट करके फिर मैं आपको मिलूंगी मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लगभग हमारा काम हो चुका है और सारे गिफ्ट जो है वो यहाँ पे पड़े हैं। अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं अलग से सेपरेट बनाऊंगी और फंक्शन जितना मुझसे हो पाया था, मतलब मैंने कैप्चर नहीं किया था, किसी ने किसी को फ़ोन पास कर दिया था, तो जितना कैप्चर हो सका था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो बस अभी हम लगे हुए हैं मॉर्निंग के काम में और उसके बाद में फिर आराम से बैठ के फिर गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे। अभी मैं आई हूँ छत पे क्योंकि मुझे कुछ काम करना है यहाँ पे, धूप भी बहुत हो रही है, बट मैं फटाफट से काम करके और फिर अंदर जाऊँगी और फिर हम करेंगे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। तो उसका जो वीडियो है वो नेक्स्ट व्लॉग होगा, उसमें आपके साथ मैं शेयर करूँगी, तो वो व्लॉग भी आप ज़रूर देखना। तो ये वाला व्लॉग अभी मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अभी मैंने छोटा मोटा सब काम किया है और बस अभी हम करेंगे गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग और उसका जो वीडियो वो मैं अलग से सेपरेट बनाऊँगी। तो ये वाला व्लॉग वैसे तो एक तरह से कंटिन्यू ही रहेगा, तो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें आपको मिलेंगे सारे गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग वीडियो। और हो सकता है कि वो मैं दो पार्ट में बनाऊँ, कि जो गोल्ड एंड सिल्वर जो भी गिफ्ट आए थे उनके लिए मैं सेपरेट एक अलग से बनाऊं और जो अदर गिफ्ट थे उनकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी।